अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वदिहा इकबाल। और लास्ट टाइम जो था वो हम लोगों ने ब्लॉगिंग के ऊपर बात की थी, जो सेशन था हमारा, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें जो थी वो डिस्कस की थी कि टेक्निक्स क्या होती हैं और कुछ जो है वो ब्लॉगिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम जो है वो ब्लॉगर बन सकते हैं। तो अगेन, जिसका मैंने कल ब्लॉगिंग के बारे में एक सेशन दिया था उन क्वेश्चंस के हवाले से, कि जो क्वेश्चंस जो हैं वो कोई भी हमसे पूछ सकता है जब भी किसी को हम ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं, तो हमने बता दिया कि ब्लॉगिंग ये है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इंसान के जहन में आते हैं कि ये क्या है, किस तरह से कर सकते हैं, आइडिया कहाँ से मिलेगा। तो उसके ऊपर भी मैंने कल उन्हीं कुछ क्वेश्चन को लेकर एड्रेस किया था कि जो एक कोई भी जो बिगनर है उसके माइंड में उसको लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको एड्रेस किया था, कुछ टेक्निक्स बताई थी और कुछ लिंक्स शेयर किए थे। तो सिमिलरली आज मैंने ब्लॉगिंग को लेकर भी उसी तरह से स्टार्ट किया है कि इसको, इसमें जो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था तो काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे थे कि वो जो ब्लॉगिंग है वो किस टॉपिक पे बना सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं और उनको किसके ऊपर करना चाहिए। तो एक हेल्दी डिस्कशन रही थी उसको लेकर। तो अब आज जो है वो मैंने एक PPT रेडी की उसी के लिए। आज जो है हम वो कुछ और टेक्निक्स हैं जो लास्ट टाइम मिस हुई या कुछ उसमें रह गया, तो क्योंकि हमारा ये सेकंड सेशन है, तो उसके लिए मैंने सोचा कुछ जो टेक्निक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिगनर्स के बारे में अक्सर आ जाते हैं कि इसके बारे में हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो उसकी जो टेक्निक्स है उसके ऊपर हम आज बात करते हैं और आइडियाज़ के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हमने ब्लॉगिंग के बारे में किया था। और जो है उसको स्टार्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर सब अपनी जो स्क्रीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये हमारा जो आज का है टॉपिक, इस वक्त मैंने बताया कि ब्लॉगिंग के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ हमारी जो टेक्निक्स हैं उसके हवाले से लेकर। मैंने जैसे बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी कि जो आपका ब्लॉग जब आपने बनाना है, लास्ट टाइम मैंने बात की थी, तो आपको खुद से जो चीज़ें हैं वो आपके ब्लॉग, आपका ब्लॉग कैसा होना चाहिए, उस ब्लॉग की टेक्निक, वो चीज़ें थी कि आप किन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हो, कितना पोर्शन किसके ऊपर होना चाहिए। अब जो ये कुछ टेक्निक्स हैं वो ये हैं कि जब आपने थोड़ा सा उसके ऊपर होमवर्क कर लिया, अपना माइंड बना लिया, तो उसके बाद जो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको उसको आपको उसमें देखने की जरूरत होती है जब आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो ये स्टार्ट करते हैं। पहला है जी कि डिज़ाइन अ थीम। जिस तरह से मैंने इसको, मैं ब्लॉगिंग को ब्लॉगिंग के साथ हमेशा से लिंक करती हूँ, उसकी वजह भी यही है कि ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं। दोनों की तकरीबन जो सिमेट्री है, जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ मीडियम का आता है, वो राइटअप के फॉर्म में जाता है और जो ये है ये वीडियो के फॉर्म में जाता है। बेसिकली यही एक डिफरेंस है और बस उसकी भी इस तरह से है कि वो वेब पर आप पोस्ट करते हो, वीडियो आपका ये होता है कि आप उसको डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, जो डिफरेंट आपकी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप उसको पोस्ट करते हो। तो इसी तरह से जिस तरह से हमें ब्लॉग लिखने के लिए अपना थीम डिज़ाइन करना पड़ता है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सर्च आउट करना पड़ता है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तो सिमिलरली जो हमारी ब्लॉगिंग है उसके लिए भी हमें बिल्कुल इसी तरह से जो है वो अपना एक डिज़ाइन जो है वो थीम जो है उसको डिज़ाइन करना पड़ता है कि मैं किस चीज़ के ऊपर जो हूँ वो कर रही हूँ। जैसे मैंने कल ब्लॉगिंग के बारे में आपको आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया था कि आप किस किस चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, ये आपको खुद से बेहतर पता है। और इंडिविजुअल जो बिगनर्स थे उनके लिए मैंने आपको बताया था कि अपने आप से स्टार्ट करें, ये चीज़ें आगे जाकर मैं बताऊंगी, लेकिन अभी ये जो हमारा पहला स्टेप है ब्लॉगिंग की टेक्निक्स को लेकर कि आपने अपना डिज़ाइन, जो आपका थीम है उसको डिज़ाइन करना है। टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद आप उसको उसकी पूरी एक मैपिंग करनी है कि किस तरह से मैं पहले ये चीज़ बात करूंगी, फिर ये जिस तरह से वो 120 seconds का मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के बीच में, लास्ट सेशन में बताया था कि आपका 120 seconds यानी कि जो इतना बिगनिंग का आपका पोर्शन है वीडियो का वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसमें आप कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, उसमें आप कुछ ऐसी एक क्यूरियोसिटी के हवाले से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो व्यूअर जो है वो आपके ब्लॉग को टिल एंड जरूर वॉच करे। तो ये सब वो चीज़ें हैं तब अपने आपने बनानी है, करनी है, प्लान करना है कि मैं अपनी चीज़ों को जो हूँ, मैं ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं इस टॉपिक को किस तरह से जो हूँ वो एड्रेस करने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि डिजाइनिंग योर थीम। नेक्स्ट आता है हैविंग अ प्लान। डिजाइन कर लिया, अच्छा मैंने ये चीजें करनी है, अब उसका प्लान आपने करना है कि पहले मैं ये अपना इंट्रो रिकॉर्ड करूंगा। जिस तरह अगर हम लोग, जिस तरह से मैं अगर ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसका एक ही टाइम में उसकी जो उसका जो इंट्रोडक्शन है जहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है वो, और थोड़ा सा गैप लेकर पॉज लेकर जो उसका एक्स्ट्रो है उसको इकट्ठा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अच्छा उसमें दो बातें आ जाती हैं, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो समटाइम मुझे एंडिंग दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि जो मेरा पूरा ब्लॉग जब मैं उसको बना रही होती हूँ तो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो उसको एंड पे मुझे लगता है मुझे और तरीके से सम अप करना चाहिए। चूंकि मैंने सारा प्रोग्राम जो अपना मेरा ब्लॉग होता है उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होता,
तो उसकी एंडिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर देती हूँ कि जी आज का, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और वो बिल्कुल नॉर्मल चली जाती है। लेकिन जब मैं उसको वन बाय वन करके के इंट्रो किया, देन उसके बारे में जो अपनी बात करनी थी वो किया, क्वेश्चन रखे, लोगों से उनकी राय पूछी, उसके अंदर न्यू क्या है और आपको मेरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ये सब बातें करने के बाद फिर मैं जो उसकी एंडिंग रिकॉर्ड करती हूँ, उसका एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करती हूँ, वो कुछ और होता है। तो ये होती है प्लानिंग की बात, कि आपने अपना सारा थीम डिजाइन कर लिया, फिर आप उसको प्लान करते हो कि मैंने ये जो चीजें डिसाइड की हैं, मैपिंग की है, ठीक है, सिमेट्री बनाई है, सिमेट्री को मैंने एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, तो आपके पास उस चीज का प्रॉपर पूरा प्लान होना चाहिए। और डेवलपिंग कॉन्फिडेंस ऑन द कैमरा, आई थिंक सो दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग हैं जो लिखते ही सिर्फ इसीलिए रहे, वो ब्लॉगिंग की तरफ नहीं आ सके, बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू फेस कैमरा। उनको लगता है कि अगर वो सामने से आके बात कर रहे हैं तो दे आर नॉट लुकिंग गुड, and they do not know how to perform and how to stand and how to hold their camera, angle कौन सा होना चाहिए। और ये तो इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस जो के है, मुझे लगता है कि जो भी कोई बिगनर जब वो मुझसे पूछता है कि हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मैं उनको यही रिकमेंडेशन देती हूँ कि जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर शॉर्ट वीडियोज, लाइक कीप डूइंग प्रैक्टिस। आप क्या करें कि अपना फोन लें, उसका फ्रंट कैम खोल लें, उसको सामने रख लें एंड उसके अंदर बोलकर उस तरह से जो अपने जेस्चर आपने देने हैं, आप राइट लेफ्ट फ्रंट पर और अपना हर साइड आप अपना एंगल मूव करके यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ कि अच्छा मेरी लेफ्ट साइड पर अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो मेरी ये लुक आती है, और अगर मैं राइट साइड पर बात करता हूँ तो मेरी ये लुक आती है, मेरी हैंड मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और किस तरह से जो मुझे, तो ये बेहतर है कि आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो पहले अपने फोन पर इतनी करें। अगर पुराने हमारे जो सीनियर लोग थे, अगर हम लोग अभी उनसे पूछें कि आप लोग कैमरा जो कॉन्फिडेंस था उसको डेवलप कैसे किया करते थे, तो वो आपको यही बताएंगे कि वी यूज टू टॉक फ्रंट ऑफ मिरर, हम कैमरे के उसके जो शीशा था उसके सामने खड़े होकर अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को, मैं एक खातून से मिली तो उनसे मैंने पूछा कि आप किस तरह से, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने स्टैंडिंग में बुलेटिन करना स्टार्ट किया तो मैंने अपने घर पर एक बहुत फुल लेंथ का मिरर लगवाया, सो दैट मैं उसके अंदर जो हूँ मैं देख सकूँ कि मैं जो हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मैं किस पोज में खड़ी हुई स्क्रीन पर ठीक लगूंगी। तो आपको कैमरा के सामने, जब तक आप कैमरा फ्रेंडली नहीं होंगे, दीज आर फ्यू टेक्निक्स यू शुड नीड टू लर्न, के आप इन टेक्निक्स को सीख लें कि आपने कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट किस तरह से होना, बिकॉज आई नो दिस। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, इफ आई एम नॉट लुकिंग गुड, इफ आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल right now, so I think so I will not be able to perform front of the camera, because मुझे लगता है कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे हैं या मेरे ये कपड़े इस उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे लास्ट मैंने टेक्निक्स भी बताई थी कि आपके जो कपड़े हैं, आपके टॉपिक हैं, स्वेट शर्ट पहनकर आप एक बिल्कुल ब्लॉग बनाने बैठ जाओ, ये अनएथिकल है, ये ठीक नहीं लगता है, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आपको लिंक करती हैं आपकी प्रेजेंटेशन के साथ। इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड, समटाइम्स हम क्या करते हैं जब हम व्लॉग देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम टिकटॉक की बात ले रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि हम उनकी एक्टिंग से ज्यादा, या जब वो एक्ट कर रहे होते हैं या जब वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा हम ये देख रहे होते हैं कि हाउ दे आर लुकिंग। तो सिमिलरली जब हम दूसरों को उस पैराए में रखकर जज कर रहे होते हैं, तो हमें खुद के अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए। और कैमरा कॉन्फिडेंस ऑल अबाउट कि आप खुद कैसे लग रहे हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर फीलिंग, अगर आपने खुद को खुद से अप्रूव कर दिया, हम जब तैयार होते हैं तो एंड पे शीशे को देखते हैं, हमको कहते हैं कि हाँ नाउ वी आर डन, तो ही हम उसको ग्रेसफुली जो है उसको कैरी भी कर पाते हैं, परफॉर्म भी कर पाते हैं। सो इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई डू नॉट थिंक सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो अपने जो कॉन्फिडेंस है कैमरा के सामने डेवलप करने के लिए, दैट इज क्वाइट नेसेसरी टू नो योर सेल्फ, टू नो योर एंगल्स, कि मैं इस एंगल से अच्छा लगता हूँ, या मेरी ये स्टाइल खड़ा होने का, बात करने का, हैंड मूवमेंट, बॉडी जेस्चर, शोल्डर जेस्चर, ईच एंड एवरीथिंग, इफ यू डोंट नो अबाउट सच थिंग्स यू कैन नॉट परफॉर्म वेल फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो अपना जो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस डेवलप है, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी आई थिंक सो। और पेइंग अटेंशन टू द लेंथ सबसे बड़ी बात है, डू नॉट इट, मैंने सब लोगों को कहा था कि अगर मैं कुछ लिखा हुआ भी मैंने पढ़ना है, दू मेरी बहुत अच्छी हैबिट है कि मैं बहुत पढ़ लेती हूँ, मतलब मेरे लिए लॉन्ग लॉन्ग आर्टिकल्स पढ़ना, मतलब इट इज क्वाइट यू मे से दैट कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आई इंजॉय टू रीड। सिमिलरली हमारी हम बहुत ज़्यादा लंबे सीजन्स भी देख लेते हैं, मतलब 56 मिनट का एक एपिसोड होता है, हम कॉन्टीन्यूसली उनको भी देख लेते हैं,
दैट मैटर्स कि उसकी क्वालिटी कैसी, मेरा इंटरेस्ट कैटर। बट स्टिल स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्हेन इट कम फॉर द व्लॉगिंग, तो अगर कोई किसी ने 1 घंटे का व्लॉग अपलोड किया हुआ है तो आई डोंट थिंक सो दैट कि हम उसको प्रेफर करते हैं कि यार मैं क्या एक फूड व्लॉग का ले लो। अगर एक बंदी है खातून है, उसने फिश खाने के बारे में या फिश रेसिपी के बारे में कुछ वीडियो अपलोड कर दिया, व्लॉग अपलोड कर दिया, तो मैं उसको, मुझे क्या फील हो रहा है स्टार्ट में अगर वो वीडियो को स्पेशली ड्रैग कर रही है टू हैव लेंथ के लॉन्ग टाइम का व्यूवरशिप आ जाए उसके उसके ऊपर, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको पसंद नहीं करूँगी। मैं कहूँगी कि नहीं ये इसने, मतलब ये इतनी लंबी बात तो नहीं थी इस बताने वाली, शी कैन शॉर्ट इट, तो वो उसको कर सकती थी, उसको समराइज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मैं क्या करूँगी, अल्टीमेटली वो चीज़ उनके ऊपर जो है वो गलत चली जाएगी। तो आपने इस चीज़ के ऊपर स्पेशली फोकस करना है कि जो आपका वीडियो लॉग है, व्लॉग है, वो इतना लेंथी ना हो कि लोग उसको जो है वो उसकी सिर्फ लेंथ देख कर ही, बहुत सारे लोग हैं अभी भी वो कहते हैं कि जब हम लोग देखते हैं तो उसको हम टच करके उसकी लेंथ का टाइम ड्यूरेशन जो राइट साइड पर आ रहा होता है स्क्रीन की, हम उसको पढ़ते हैं, अच्छा ये आधे घंटे का है या 1 घंटे का है, तो हम उसको स्किप कर देते हैं, हम कोई शॉर्टकट वर्जन ढूंढते हैं, शॉर्टर वर्जन ढूंढते हैं कि ये जो शॉर्ट है हम उसको देखें। तो आपने खास तौर पे इस बात की जरूरत, ये दीज आर फ्यू टेक्निक्स कि आपको इन पे फोकस रखने की जरूरत है व्हेन यू फाइनली हैव डिसाइडेड दैट ओके नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो लॉग। ठीक है, नोइंग योर इक्विपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी वजह से हमारे यहाँ वी आर प्लानिंग कि हम जो है एक कैमरा टेक्निक्स को लेकर एक वर्कशॉप जो है वो ज़रूर अरेंज करवाएँ। और कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं उन सबको कैमरा टेक्निक्स जो है, कार्ड कहाँ पर इंसर्ट होना है और आपने क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अपनी स्टार्ट करने से पहले, एक मैं जब 7 न्यूज़ पर काम कर रही थी तो हमारे साथ एक एंकर थी और वो मैं मुशा महमूद कुरैशी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए चली गई और जस्ट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक कि उन्होंने ऑडियो लेवल चेक नहीं किया था, सारा प्रोग्राम हो गया, बिकॉज कैमरा तो आपको इंडिकेट नहीं करता ना कि आपका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया क्योंकि उसका प्रोमो था, वो तो काफ़ी टाइम चलता रहा। लेकिन जब उसकी टीम रिकॉर्डिंग करके, उस प्रोग्राम की टीम रिकॉर्डिंग करके वापस आई तो क्या हुआ कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये इक्विपमेंट नॉलेज नहीं था और क्या चीज़ें हैं जो स्टार्ट करने से पहले आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करने या अपनी वीडियो शूट स्टार्ट करने से पहले चेक करने की ज़रूरत होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो क्या हुआ कि वो सारा, वो जो इतनी एक ऑब्वियसली बात है वो एक फेमस पर्सन है और वो एक पॉलिटिशियन है, तो उनके लिए टाइम निकालना करना या उनसे टाइम लेना वाज नॉट इजी अ टास्क। तो क्या हुआ कि वो सब चीज़ें जो थी वो एंड इन स्मोक हो गई, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो जो इक्विपमेंट नॉलेज था उसका जो सारा चेकलिस्ट थी वो मैनेज पूरी नहीं की गई। सो आप यही करें कि जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो कैमरा आप यूज कर रहे हैं, इवन यू आर यूजिंग अ फोन, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी सेटिंग जो है वो मुझे कैमरा नहीं अब मुझे स्मार्टफोन पे रखनी है, उस पर एक बटन होता है आपको उसको शिफ्ट करना पड़ता है। इफ़ यू आर यूजिंग दैट एक्स्ट्रा फोन एक्स्ट्रा माइक ऑन फोन, तो आप क्या करेंगे कि उसकी सेटिंग को स्मार्टफोन पे कन्वर्ट कर देंगे, और अगर आप वही माइक कैमरा के साथ अटैच करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें तो उसकी सेटिंग आप चेंज करके कैमरा पे कर देंगे। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, नो योर इक्विपमेंट, फिर आपको आपके कैमरा का पता होना चाहिए, लेंस का, लेंस सेटिंग का, फोकस किस तरह से रखना है, डी फोकस्ड आपकी वीडियो ना हो, बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके ले आते हैं, वो सारी वीडियो थोड़ी सी ब्लर आ रही होती है, तो उसमें क्या है कि आपको ये सब बातें, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपकी अक्सर लोग जो हैं वो लाइट यूज़ करते हैं, लेकिन लाइट का भी अगर आपको पता नहीं है, वाइट बैलेंस कैसे मैटर करना है, उसको सेट करना है, आपकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपका एंगल कैसा होना चाहिए और आपका माइक जो है, माइक टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए। और फिर मुझे तो ये लगता है कि अगर आप कॉन्शियस है तो फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़े टाइम के बाद, बिकॉज यू हमेशा से हमारे यहाँ ये बोला जाता है न्यूज़ में या मीडिया में ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा आपका साथी आपकी टेक्नोलॉजी होती है और सबसे बड़ा धोखा भी आपको आपकी टेक्नोलॉजी दे जाती है। तो ट्राई करें कि अगर आप एक टाइम निकाल के प्लानिंग करके जा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपने अपना इक्विपमेंट पूरा चेक नहीं किया, उसकी जो उसका जो क्राइटेरिया था उसको मीट नहीं किया, तो आपकी जो सारी चीज़ें जो वो यूजलेस ना हो जाएं। तो आपको अपने इक्विपमेंट को ज़रूर पता होना चाहिए और सारे मेजरमेंट्स जो हैं वो आपको पहले से लेना चाहिए। अच्छा, फिर एडिटिंग, वेल मेरे नज़दीक ये होता है कि आप बहुत अच्छे शॉर्ट्स रिकॉर्ड करके आते हैं, लेकिन जब आप
एडिटिंग पर आते हैं तो उसकी जो वो चीज़ है वो उस तरह से ट्रीट नहीं हो पाती। समटाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको हम कट कर देते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि नहीं उस कन्वर्सेशन का या उस वीडियो का हिस्सा होना चाहिए, हम वो रख लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि बेहतरीन तरीके से अपने पोर्शन को खुद सेलेक्ट करना है। अगर आपको खुद एडिटिंग नहीं आती तो जिससे आप एडिट करवा रहे हैं उसके पास बैठ कर एडिट करवाएं, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बिकॉज मैं भी अभी कुछ लिखती हूँ या मैं भी अभी कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं उसकी मेरी 100% प्रेफरेंस उस चीज़ को लेकर ये होती है कि मैं वहां पर साथ खुद बैठ कर उस चीज को एडिट कर रहा हूं, अगर मैं खुद एडिट नहीं करती हूँ, क्योंकि आई नो ये मेरी चीज है और इसमें से मुझे क्या क्या निकालना है। मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मेरे दिमाग में पोस्ट प्रोडक्शन के हवाले से क्या चीजें चल रही थी, तो वो मेरे जहन में मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए कि मैंने कहाँ पर कट लगवाना है, कौन सा वाला पोर्शन उठाकर कितने पर लेकर जाना है। अभी आप प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, अगर ये हम पीपीटी बनाते हैं अपनी, तो इसमें हम एक सिमेट्री मेंटेन करनी पड़ती है कि स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर। तो मैं इस पीपीटी का लास्ट वाला पोर्शन बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस नहीं कर सकती। तो एडिटर समटाइम्स दे आर वेरी स्मार्ट, बट व्हेन इट कम्स के लाइक आपने एक स्पेसिफिक एरिया को अपने दिमाग में रखते हुए कोई वीडियो लॉग जो है वो रिकॉर्ड किया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप उसकी एडिटिंग जो है उसको जरूर फोकस रखते हुए उसको इस तरह से करवाएं कि वो कैची भी लगे, उसमें साउंड डालना है, उसमें म्यूजिक ऐड करना है, उसमें अगर फनी है तो आपको पता है ऊपर कुछ साउंड्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर आप, हमने एक अमाना मॉल पे हम लोग गए थे तो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, उस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी और आवाम बहुत परेशान थी, तो हमने एक वीडियो लॉग रिकॉर्ड किया था। उसमें हम लोगों से जाकर डिफरेंट बातें पूछ रहे थे कि आपका इमरान खान के बारे में क्या कहना है, तो वो कोई दूसरे को मारता था तो हमने उसके ऊपर साउंड इफेक्ट किया, किसी ने बहुत फनी बात की है तो उसके ऊपर हंसने की आवाज लगाई। तो आपकी जो एडिटिंग है दैट मैटर्स अलॉट, जो प्री प्रोडक्शन होती है वो बिल्कुल यूजलेस चली जाती है अगर पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि जो एडिटिंग है वो बेहतर तरीके से ना हुई हो। आपका आइडिया, आपकी हर चीज, वो एडिटिंग कहते हैं कि 50% 30% आपका आइडिया होता है और 70% जो है ना वो एडिटिंग मैटर करती है। तो अक्सर लोग इस बात को मानते हैं कि आपकी एडिटिंग जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए ताकि वो चीज बनकर सामने आ सके जो आपने अपने माइंड में प्लान की होती है। और मेकिंग द हैबिट ऑफ वॉचिंग ऑफ अदर व्लॉग्स, अच्छा मैंने ये बात नोटिस किया कि हाँ मैं भी हूँ, मैं ये कहूँ कि मुझे पहले दिन से ही बहुत अच्छा व्लॉग बनाना आता था या मैं पहले दिन से ही बहुत अच्छा लिखती थी, तो ऐसा नहीं है। ये होता है कि आपकी कुछ चीजें होती हैं या आपने अपने दिमाग में रखनी होती है कि आप साथ साथ दूसरे लोगों को भी देखो, और कुछ चीजें इस तरह से मैंने कहा कि ब्लॉगिंग को शाबिर जाफरी ने एक बिल्कुल ही बिल्कुल अलग उस पर रख दिया। काफी सारे लोग हैं, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जो फनी प्रैंक्स करते हैं कि एक हस्बैंड बन जाता है एक वाइफ, मतलब वो लड़का खुद ही हस्बैंड भी बन जाता है वाइफ भी बन जाता है, ब्राउन मदर्स एंड ब्राउन पेरेंट्स एंड वाइट पेरेंट्स उनका वो देते हैं कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि पाकिस्तानियों के यहाँ जो है वो सुबह ऐसी होती है और जो दूसरे लोग हैं उनके यहाँ सुबह ऐसी होती है, गोरों के यहाँ उनको गुड मॉर्निंग हो, तो वो एक बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने अपनी वीडियो लॉग में उन्होंने अपना एक थीम डिसाइड किया कि हम इस थीम के ऊपर, फिर उसके लिए उसमें क्रिएटिव चीजें आती गई आती गई आती गई। लेकिन जब शावेर जाफरी आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर चीज को बहुत नॉर्मल कर दिया कि व्लॉगिंग जो है ये है भी थोड़ा कैजुअल, कि मैंने आपको कहा था कि आप इस तरह से वो वीडियो बनाएं, इस तरह से उसको करें कि जो देखने वाला है उसको ये लगे कि ये सब चीजें उसकी आंखों के सामने हो रही हैं। तो जब आप शाबिर जाफरी की वीडियो लॉग्स देखते हैं ना तो आप आपको उसमें बड़ा अच्छे से अंदाजा होता है कि वो यू फील दैट ओके यू आर पार्ट ऑफ हिज फैमिली, यू आर सिटिंग विद हिम ऑन हिज सोफा एंड यू आर टॉकिंग लाइक ही इज जस्ट सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू, उसमें उसमें कुछ देखकर ऐसा फील होता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी हैबिट बनाएं कि आप दूसरे लोगों को भी देखें कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये आपको जरूर देखने की जरूरत है। नेक्स्ट आता था जी, हाँ जी, और ये आपका जो है कैमरा है आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाहती है, और आपने जब ब्लॉगर बनना है तो उसकी जो चीजें हैं वो आपको सारी वन बाय वन पता हो, कैमरा पता हो कैमरा किस तरह है, और फिर स्पीकिंग क्लियर। आपने अक्सर हम लोगों ने देखा कि जब हम कैमरा ऐसे पकड़ते हैं तो हम अगर बैक फेस करते हैं तो जो मेरा साउंड है वो बिल्कुल फेड आउट हो जाता है। मैं बेशक अपनी तरफ से राइट या लेफ्ट, मैंने जैसे ही क्योंकि कैमरा का सेंसर रिकॉर्ड कर रहा होता है व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक दिस वे तो उसी रिकॉर्ड करता है, लेकिन जैसे ही आई विल टर्न माय फेस एंड आई विल लुक टू अनदर साइड क्या होगा कि जो मेरी आवाज है वो बिल्कुल बिल्कुल फेड आउट हुई फील होगी। तो दीज आर टेक्निकलिटीज कि आपकी आवाज क्लियर होना चाहिए, आप जो सामने खड़े हैं कैमरा डी फोकस नहीं होना चाहिए, और आपने जो है कि वो आपका हर चीज जो है वो बिल्कुल इतनी शेप में होनी चाहिए, इस तरह से वेल एक्सप्लेन होनी चाहिए कि वो देख कर लगे कि हाँ ठीक है बहुत सारी बातें हैं, फन भी हो मस्ती भी हो, लेकिन अगर आपने एक बहुत ज्यादा अलग किस्म का जोक क्रैक किया है
लेकिन उसके टाइम पर उस आवाज नहीं आई है, वो इस तरह से अपना जो इम्प्लीमेंट है जो अपना वो ऑडियंस है उसको वो कैच कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, ये एक ये है कि एक वीडियो को जो है एक ब्लॉग को क्या चीज अच्छी बनाती है, वो ये सारी चीजें कि आपका कैमरा, आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोन, आपका हर चीज जो है ना वो इतनी क्लियर और साउंड होनी चाहिए। इस तरह मैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में भी बताती हूँ कि जब आपने वो उसको लिखना इस तरह से है कि देखने वाले को लगे कि ये सब बात उसकी बात हो रही है और वो भी समहाउ समवेयर इस चीज को अपने साथ रिलेट कर सकता है। शावर जाफरी के वीडियो लॉग्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हम उसमें बहुत सारी सब कजन टॉक्स हैं उसको हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हम भी तो अपने कजन लोगों के साथ इस तरह से करते हैं। फिर जिस तरह से वो दिखाते हैं कि मेरी छोटी बहन ने ऐसे किया, फिर मुझे आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट ईयर मैंने उनका बकरी के ऊपर उनका एक ब्लॉग देखा था और ओजड़ी को लेकर स्पेशली। देखिए अब ओजड़ी हमारे सबके घर में बनती है और हम सबको पता है कि कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो उन्होंने बताया कि जब उनके घर में ओजड़ी बनी तो क्या हुआ, तो उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स और इतनी ज्यादा जो व्यूअरशिप थी उसके ऊपर आ रही थी। क्यों? बिकॉज लोगों ने फील किया कि हाँ ये इश्यू तो हमारे घर में भी होता है, जब हमारे भी घर बकरी आती है और ओजड़ी बनती है तो हम भी स्मेली फील करते हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी आइडिया पे काम करें आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि दैट शुड बी क्लियर, कैमरा टेक्निक्स आपको सारी पता हो, हर बात, आपका फोन, आपका साउंड, आपकी हर चीज आपको उसके बारे में मुकम्मल पता हो और वो इस तरह से एग्जीक्यूट हो कि देखने वाले को ये लगे कि दैट इज माई स्टोरी एज वेल, आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हाउ डू आई मेक माई फर्स्ट व्लॉग। कल मैंने पहले ब्लॉग के बारे में आपको आइडियाज दिए थे कि दीज आर फ्यू बेसिक आइडियाज यू कैन राइट अबाउट लाइक योर फर्स्ट, और उसमें मैंने बताया था आपको एक बात कि हमें जो चीज पहली चीज लिखने के लिए क्रिएटिव कह लें या दूसरा कोई चीज कह लें तो वो हमें लिखने के लिए बताया जाता है उर्दू में मेरा तारुफ और इंग्लिश में माई सेल्फ। ठीक है, तो सिमिलरली जब आपने कोई ब्लॉग बनाना है अगर आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चीज स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे एम्स क्या है, मेरा आइडिया क्या है और मैं क्यों बनाना चाह रही हूँ और आप लोगों को मेरे ब्लॉग किस तरह से डिफरेंट लगेंगे, तो आई डू नॉट थिंक सो दैट कि अगर मैं एक ऐसे ही रैंडमली उठूँ और एक वीडियो लगा दूँ और एक ब्लॉग बना दूँ तो लोग उसको देखेंगे अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म में लेकर चलना चाहती हूँ। मैं हमेशा से इस बात को एक्सप्लेन करती हूँ कि आप कोई भी इंसिडेंट हो रहा है आप उसका ब्लॉग बना लें फौरन से तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप उस चीज को एज अ प्रोफेशन कह लें या उसको लॉन्ग टर्म आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपकी देर शुड बी अ प्रॉपर मैपिंग, देर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग, थीम डिजाइनिंग होनी चाहिए कि हम इस तरह से करें। अ गुड फर्स्ट व्लॉग पोस्ट इज वन ऑफ वेयर यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, द टॉपिक यू आर गोइंग टू बी टॉक अबाउट। आपने ये करना है कि आप बताएं कि मैं हूँ और ये वो मुझे वो मीम याद आ गई है रेना नीर वाली कि ये मैं हूँ, ये हमारी गाड़ी है, और उसने एक छोटे से उसमें भी उसने स्टार्ट में ये बता दिया कि ये मैं हूँ, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे अगर 14 से 15 सेकंड्स की वीडियो जो है उसमें एक बंदी अपना बता रही है या व्लॉग इस तरह से स्टार्ट होता है, तो व्लॉगिंग भी मुझे लगता है ब्लॉगिंग की तरह व्हेन इट कम्स कि यू आर ट्राइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम तो यू शुड हैव टू टॉक अबाउट योर सेल्फ लाइक मैं ये हूँ और ये हमारा है या मैं मेरा ये थीम है, और आप ब्लंट स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, कैमरा जो है आप उसमें बता सकते हैं। अक्सर लोगों को देखा बहुत लाइवली मतलब करते वक्त एकदम से ब्लॉगिंग बहुत कैजुअल है ना कि हम लोग जब ब्लॉग बना रहे होते तो एकदम से हमें फील होता है कि मक्खी आ गई है बीच में या मतलब मेरे बाल अजीब लग रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं उसको उसको साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, जस्ट कि हम उसको आम उसके साथ और ज्यादा रिलेट कर सकें कि हाँ हम बाकी हम लोग भी तो ऐसे, जब मैं सेल्फी बनाने लगती हूँ मैं भी वीडियो देख के सोचूंगी कि हाँ जब मैं भी ऐसे वीडियो बना रही होती हूँ या कुछ हो रहा होता है तो मेरे जो बाल है वो मेरे मुंह पर आ जाते हैं या कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो अनयूजुअल है, तो आप जो है उसको अपना बताना शुरू करें या इसी के बारे में भी हम ब्लॉग बनाना शुरू कर सकते हैं। मैंने पहले एक ब्लॉगर थे मुझे उनका नाम हो गया इस लिटिल फैट एंड थोड़े से डार्क कम्प्लेक्शन के, तो वो उन्होंने अपना जो पहला ब्लॉग था वो ही वो जस्ट लाइक उन्होंने बैठे अपने बेडरूम में और उन्होंने बताया कि पीछे मेरा भाई सो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करूँ, ये मेरा नाम है और मैं इन लोगों को देख करके इनके इतने फॉलोअर्स हैं, उसने डिफरेंट लोगों के नाम लिए कि मैंने मुझे आइडिया कहाँ से आया, तो कि मैं सोच रहा हूँ अब आप लोग मुझे बताएं टॉपिक सजेस्ट करें मैं किस टॉपिक पे लिखूं और किस टॉपिक पे बनाऊं मैं अपनी वीडियो अपना पहला व्लॉग। तो ये सब बातें जो आपके पहले व्लॉग के टाइम पे आपके दिमाग में होनी चाहिए, और जिस तरह हम पहला तारुफ अपना तारुफ लिखते हैं तो बताने के लिए भी आई थिंक सो हमें यहीं से स्टार्ट लेना चाहिए कि अगर हम व्लॉगिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम एक ऐसी वीडियो जरूर बनाएं कि
अगर मेरी कोई वीडियो जो कि उसके बाद वायरल होती है तो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे वो चीज़ मौजूद हो, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा एक इंट्रोडक्शन जो है वो लिखा हुआ जरूर मेंशन हो, ताकि लोगों को मेरे बारे में पता लग सके कि मैं कौन हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मेरा जो है फेवरेट, अगर मैं ब्लॉगर हूँ तो मेरे अदर फेवरेट ब्लॉगर्स कौन से हैं, मैं किनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे इंटरेस्ट के बारे में उनको पता लग सके। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने आपको ऐसी, मुझे जैसा लगा मैंने इसको, खैर पहले ही फेस द कैमरा को बहुत अच्छे से जो था वो एक्सप्लेन कर दिया कि आपने फेमिलियर किस तरह से होना है, अपने कैमरा फ्रेंडली किस तरह से होना है और कैमरे को फेस किस तरह से करना है। तो वो ये कि आपकी जो टॉकिंग टू द कैमरा वाली सिचुएशन है ना, वो बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। आप अपने कैमरा को, अगर यू आर नॉट यूजिंग एक्सटर्नल माइक, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि, बहुत सारे लोग उन्होंने माइक बाहर से ही मतलब ऊपर फ्रंट पर लगाया हुआ होता है, अगर दे आर यूजिंग एक्सटर्नल माइक तो वो उसको उस तरह से वो नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि आप कैमरा की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसको माइक को लगाने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आप उसको उसमें लगा के यूज करके, तो आप अपने जो कैमरा का माइक है आप उसको शर्ट के बाहर से नहीं बल्कि शर्ट के अंदर से लेके जाके, या गर्ल्स जो है वो अपने पीछे से ला के बालों के नीचे से लगाकर आगे वो कर लेती। समय भी हैंड फ्री नजर आ रही है बिकॉज कंप्यूटर बिल्कुल सामने है लैपटॉप मेरा, इसलिए ये नजर आ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये जो चीजें है ना वो नहीं। फिर कुछ लोगों का बहुत ज्यादा मसला है कि जब वो ब्लॉग बना रहे होते हैं तो जो उनका लेंस का कांटेक्ट है विद कैमरा वो बहुत ही पथेटिक होता है, वो देखकर फील ही नहीं हो रहा, तो वो देखकर लग रहा होता है एज दे डू नॉट वांट टू फेस कैमरा। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका लेंस का आई कांटेक्ट है, कांटेक्ट है वो इतना परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जितना कैमरे में जितना स्टेबल होकर देखोगे, वो जो देख रहा है आपकी वीडियो एडिट होने के बाद उसको ये फील होगी ये चीज, क्योंकि ये आदमी जो है, ये जो कार्टून है, जो भी ब्लॉगर ब्लॉग बना रहा है, जो भी ब्लॉगर है वो मुझे देखकर मेरे साथ बात कर रहा है। तो अगर आपका आई कांटेक्ट ठीक, कांटेक्ट ठीक नहीं ना होगा तो आप लेफ्ट राइट देख रहे होंगे, तो जो देख रहा है उसको फील ही नहीं होगा कि आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसको अपनी कहानी सुना रहे हैं, आप उसको सारा सिचुएशन जो है, कोई भी वो ब्लॉग जो आप बना रहे हैं वो आप उससे बात करें। हाँ जी, और ये है आगे लिखा हुआ कि मैनी ब्लॉगर्स कैमराज हैव फ्लिप अप स्क्रीन। अच्छा, एक ही होता है कि हम फॉरन से फ्रंट कैम पे लेकर आ सकते हैं और साथ ही हम कहते हैं ओके मेरे सामने इस वक्त एक चीज है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो हम क्या करते हैं उसको साथ इसको फ्लिप करके दूसरी साइड ले जाते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब उसमें यह होता है कि मेरी आवाज तो आ रही होती है लेकिन जो चीज मैं लोगों को दिखाना चाह रही होती हूँ और लोग देखना चाह रहे होते हैं, कैमरा को फ्लिप करने से भी वो चीज नजर आ रही होती। एक तो ये है, ये जब यू आर शूटिंग विद योर फोन, अच्छा एक जो कैमरा हम स्पेशल कैमरा यूज करते हैं ना, उसका फ्लिप पता क्या होता है, उसकी अगर कैमरा अगर आप देखें ना तो उसकी जो छोटी सी स्क्रीन होती है ना वो फ्लिप हो जाती है, तो वो उसको आप फ्लिप करके उसके अंदर वापस लगा लेते हैं, तो जो बिल्कुल वो आपको जितना आप सेल्फी के टाइम पर अपने आप को देख सक रहे होते हैं ना, तो वो कैमरा के अंदर भी ऐसी टेक्निक्स होती है कि जो उसका फ्लिप बोर्ड छोटा सा होता है जिसपे आपको आपकी स्क्रीन शो रही होती है, वो स्क्रीन मूव हो जाती है, वो रोल ट्विस्ट होकर वापस आप उसको लगा लेते हो, कैमरा को भी आप ऐसे पकड़ते हो और वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप सेल्फी की तरह से उसमें से इंटरेक्ट कर रहे हो। और अगर वैसे नहीं करते और आपका कोई दोस्त बना रहा है तो वो दोस्त उसको, मैं आपको बता देती हूँ कि वो ऐसे होता है, ये कैमरा होता है वो उसको कैमरे के अंदर फिक्स हो जाता है। तो अगर आप आपका दोस्त कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है तो क्या करेगा कि उसको फ्लिप करके आपकी वाली साइड पे कर देता है ताकि आप उसमें देख सकें कि मैं कैसा आ रहा हूँ, ठीक है। और अगर जब आपने खुद से रिकॉर्ड करना होता तो आप उसको ऐसे ही रहने देते हैं और आप ऐसे करके बिल्कुल इस तरह से करके कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब आपका दोस्त कर रहा होता है, आपका कोई फ्रेंड है या आपके साथ कोई कैमरा मैन है जो आपको असिस्ट कर रहा है आपका व्लॉग बनाने में, तो वो क्या करता है कि वो उसको फ्लिप आउट कर देता है आपकी तरफ कर देता है कि ये आप साथ साथ देख सकें कि आप कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो आप स्माइल करें, और मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग के बारे में आप जितना कैजुअल होकर रहेंगे और उतना अच्छा आपका लगेगा, आप स्माइल करें, आप खुद भी हंसें, दूसरों को भी हंसाएं, और मोस्ट नेचुरल वे में आप अपना व्लॉग बनाएं, स्पीक लाउडली, ये बहुत है, क्योंकि बहुत सारी मैंने ऐसे व्लॉग्स देखे वो बहुत अच्छे थे। एक ठीक है, हवा का फैक्टर आता है, एक्सटर्नल साउंड जो है वो आपका उसका आता है, लेकिन आप अगर लाउड और क्लियर बोल रहे हैं तो ये अल्टीमेटली जो चीज़ है वो आपके उस पर बहुत अच्छा असर करेगी, ये फेस टू द कैमरा में ये इतनी सारी चीजें इकट्ठी होकर आती हैं, ठीक है। ये मैंने जिस तरह से आप लोगों को कल ब्लॉग्स के आइडियाज दिए थे कि अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आपके क्या क्या चीजें जो हो सकती हैं, और मैंने बताया था कि ब्लॉग और ब्लॉग आपस में इंटरलिंक है, सिर्फ मीडियम में डिफरेंस है, तो ये कुछ है। ब्लॉग, डेली ब्लॉग्स दी मोस्ट, उसका मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें आई थिंक सो लिखा हुआ था कि फैशन,
हाँ मैंने अपलोड ढूंढता था कि फैशन ब्लॉग्स, लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो फैशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि अच्छा अच्छा नए ट्रेंड्स क्या आए हैं। तो कंपैरेटिवली अगर वही कोई बात मुझे कोई लड़की अगर शॉप में जाकर बता दी है ना कि ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो आई थिंक वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा। तो हर जिस तरह से प्लेटफॉर्म डिफरेंस होता है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। ब्लॉग के लिए उसका मोस्ट दी मोस्ट जो फेवरेट टॉपिक था वो फैशन था, कि लोग फैशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो व्हेन इट कम्स फॉर व्लॉगिंग, तो इसके बारे में सबसे टॉप पर जो आइडिया आ रहा है वो डेली व्लॉग्स का है कि व्हाट इज माय डेली रूटीन। आज मैं उठी तो बहुत सारे हैं, अगर हानी आमिर की बात कर ली जाए तो हानिया जो है वो अक्सर अपनी इंस्टा स्टोरीज के ऊपर अगर आप उनको देखें तो वो डेली अपनी रूटीन शेयर कर रही होती हैं कि वो सुबह उठी, यहाँ तक बता रही होती हैं कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया और आज मेरे सर में दर्द हो रही है, या फिर वो 3 दिन अगर पोस्ट लगाना भूल गई तो जस्ट टू इंगेज मोर ऑडियंस उन्होंने क्या किया कि आज 3 दिन हो गए मैंने पोस्ट नहीं लगाई और आप लोगों ने मुझे याद नहीं करवाया। तो दीज आर फ्यू टेक्निक्स के डेली व्लॉग्स जो हैं वो बहुत ही हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको हम देखना चाहते हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग इन देयर डेली रूटीन। तो जो व्लॉग्स का आइडिया उसमें सबसे टॉप रैंक ये करता है डेली आपका जो एक्टिविटी है उसके बारे में, ठीक है। ट्रैवल व्लॉग्स जैसे मैंने कहा था, मैंने लिखने के बारे में कल सफरनामों का मुसलसल तैन तारण का बताया था। सिमिलरली हम अगर ट्रैवल व्लॉग्स की बात करें तो नेशनल का पाकिस्तान एक स्पॉन्सर प्रोग्राम था और उसमें स्पेशली उन्होंने सारे व्लॉग्स जो थे वो मतलब करते थे, फिर वो जाकर वहां पर खाना आप क्या बना सकते हैं और नेशनल का मसाला व्हाइट इज कंपल्सरी फॉर यू टू कैरी दैट मसाला विद व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, वो आपके साथ रखना करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ट्रैवल व्लॉग्स में सारा नेशनल का पाकिस्तान, वो पूरे पाकिस्तान में घूमे, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो चीजें जहां पर आप पहले नहीं गए हुए थे उसके बारे में गए जाकर आपको बताया। इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, अच्छा इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट इज न्यूज नाउ, बिटकॉइन ने आया है जी, ये इन्फॉर्मेशन और टेक को मैं आपस में मर्ज कर रही हूँ। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जैसे मैंने कोरोना के बारे में बात की थी कि हम जो है गाइड बना सकते हैं, लोगों को लिख कर दे सकते हैं ब्लॉग के बारे में, एंड व्लॉग्स के बारे में भी सेम चीज अप्लाई होती है कि आप जब बात कर रहे हैं कोरोना की तो आप उसकी एसओपीज के बारे में एक वीडियो बना सकते हैं। बल्कि बड़े इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो क्लिप्स भी आए थे जिसमें कार्टून करेक्टर्स दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड जब उनको स्नीजिंग हो रही है तो दे आर पुटिंग देयर एल्बो ऑन देयर माउथ और जो है वो उसको दे आर स्नीजिंग अंडर देयर एल्बोज। इसी तरह से वो छोटे छोटी इनकी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनी थी उनको भी चूंकि वो व्लॉग कहते हैं आपको बता सकते हैं। और बड़ा अगर आपको याद हो तो जब कोरोना की प्रॉब्लम आई थी तो टिकटॉकर्स को गवर्नमेंट हाउस बुलाया गया था कि आप जो हैं क्योंकि लोग आपको देखते हैं तो आप उसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें। तो उन टिकटॉकर्स ने उन ब्लॉगर्स ने क्या किया था क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में फॉलोअर्स थे तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाएं जिसके बारे में आप कोरोना एसओपीस एहतियातें तदाबीर और ये सब चीजें उसके बारे में बात करें। आगे आ जाते जी टेक ब्लॉग, उसमें हमने बहुत सारा देखा है कि लोग जो हैं वो मोबाइल फोन के रिव्यूज दे रहे होते हैं, अनबॉक्सिंग की वीडियोज के, जी ये मेरा फोन है मैंने आप फोन लेकर आई हूँ और मैं अपना चाहता हूँ कि जब मेरे पास ये फोन आया था तो मैंने भी इसका छोटा सा जब फैमिली के साथ बैठ के इसको अनबॉक्स किया था तो मैंने एक छोटी सी वीडियो उसकी भी बनाई थी। डू आई डिडंट अपलोड इट फॉर एनीवेयर बट ये कि आई हैव डन दिस फॉर माय ओन सेल्फ लाइक ओके व्हेन आई अनबॉक्स माय फोन। तो टेक में आ जाता है कि आप इसमें टेक्नोलॉजी में बात कर सकते हैं, कंप्यूटर्स की बात कर सकते हैं, फोन की बात कर सकते हैं, एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन टेक के उसमें फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई नई चीज आ रही है, टेक्निक्स आ रही है, मोबाइल हैक्स आते हैं आपके जी इसमें आपके आपको आपको पता नहीं था। मैं आई एम नॉट स्टिल एबल टू यूज माई दिस फोन कि मैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं आई डू नॉट नो अबाउट देम। तो मैं क्या करती हूँ उसको गूगल करती हूँ और क्या होता है कि उसमें से टेक व्लॉग्स निकलते हैं कि आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा A71 के ऐसे हैक्स हो रही है। तो क्या है वो टेक व्लॉग्स हैं और वो जब भी कोई फोन खरीदेगा वो आपकी इस वीडियो को क्लिक कर लेगा उसको आपको देख सकता है और क्या होगा कि वो अल्टीमेटली आपको मोर एंड मोर लाइक्स एंड वॉच टाइम देता रहेगा। मोटिवेशनल व्लॉग्स, मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजियस कंटेंट के ऊपर बात करते हैं तो हमें बड़ा अफेक्ट करता है। व्हेन यू आर डाउन मायूसी के ऊपर, अल्लाह की रहमत के ऊपर, ठीक है, और फिर नेवर क्विट के ऊपर, नेवर गिव अप, इसके ऊपर भी मैंने बताया था कि बड़ा हम साइकोलॉजिकली लोगों को किस तरह से कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि हम अगर आप डिप्रेस हैं आप अपसेट हैं
तो कैसा, तो ये मोटिवेशनल ब्लॉग्स जो हैं ये भी एक है, एजुकेशनल ब्लॉग है इसमें भी आ जाता है, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री जो है उसकी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन में क्या अपडेट्स आई हैं, कौन से पेपर जो हैं वो तैयारी, अब जितना अगर अभी रिसेंट पेपर स्मार्ट सिलेबस का कॉन्सेप्ट आया था, देयर वर लॉट्स ऑफ द पीपल हु डू नॉट नो व्हाट इज स्मार्ट सिलेबस, तो उसके बारे में भी लोगों ने ब्लॉग बनाए के जी, बड़ा फनी वे में मैंने एक ब्लॉग देखा, उसमें उसने बताया कि जी 9th class 10th class वालों की तो मजे हो गए जी, उनका सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है, हर चैप्टर में से क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, भाई हम तो पूरी पूरी किताबें पढ़ते थे आपको शॉर्ट, वो क्या हुआ उसने इंफॉर्मेशन भी दे दी एजुकेशन की, उसको येट बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया कि मेरे जैसा बंदा दोस्त लाइक हु इज नॉट student of 9th and 10th but still I was watching just because the way that person was explaining things it was quite interesting for me. तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको देखा सुना, हालांकि मैं स्टूडेंट नहीं थी बट मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन मिली कि अच्छा स्मार्ट सिलेबस आ गया है, चैप्टर्स में से फ्यू क्वेश्चन हैं, तो एजुकेशन के हवाले से भी बन सकते हैं, आपको डिग्री कौन सी लेनी चाहिए, किस डिग्री का कितना स्कोप है, चैलेंजेस मैंने कौन चैलेंज आपको याद है, अक्सर लोग पागल हुए हुए थे कि फिर टिकटॉक के ऊपर हम लोग देख लेते हैं आइसक्रीम वाला कोई चैलेंज चल पड़ता है और कभी किसी किस्म के तो उस तरह के चैलेंजिंग ब्लॉग्स, फिर वो एक याद पड़ता है मुझे कि अपने किक करके बॉटल का कैप ओपन करना था, तो महविश हयात होगी जितने फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस थे, फिर पुशअप्स का आया, पुशअप्स में चैलेंज में ये आया कि एक क्रिकेटर ने पुशअप्स लगाए, उसने रिकॉर्ड बनाया, उसने आगे चैलेंज कर दिया उसको, फिर वो आगे वाला, तो क्या हुआ था कि ये ब्लॉग का फिर वो सब क्या करते हैं उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, हैशटैग वही वाला वो यूज करते हैं और आपकी जो वीडियो है वो उस हैशटैग में फॉल करना शुरू कर देती है, तो जो चैलेंजेस की वीडियो ब्लॉग है वो भी बहुत बनते हैं, म्यूजिक ब्लॉग मैंने कल बताया था व्हाट इज हैपनिंग इन फील्ड ऑफ म्यूजिक, किस सिंगर का कौन सा गाना आ रहा है और किसका कौन सा गाना बहुत हाइप क्रिएट थी बट वो फ्लॉप हो गया, फ्लॉप की वजूहत क्यों हुआ, गाना अच्छा था वीडियो अच्छी नहीं थी, वीडियो अच्छी थी लेकिन गाने में कुछ खास नहीं था, और किसी की भी जो है वो किसी ने किसी का सॉन्ग कॉपी कर लिया है, इसके बारे में मैंने कल भी आपको प्रोग्राम जिया मोहिउद्दीन के प्रोग्राम के बारे में बताया था कि हमारी धुन तुम्हारे नाम, उसमें वो बताते थे प्रोग्राम के थ्रू के जी कौन सी किस बंदे ने किसको चीट करके वो किया, अभी भी आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो के कौन से जो सॉन्ग है इंडिया वालों ने पाकिस्तान के चोरी किए या किसी और, इंग्लिश सॉन्ग्स हैं काफी ऐसे, मतलब 2 से 3 इंडिया के ऐसे सॉन्ग्स हैं बहुत हिट हैं, लेकिन वो मुझे बाद में पता लगा कि वो एक टर्किश ड्रामा उसका टाइटल ट्रैक था एक ड्रामे का, उसको कॉपी मारा हुआ था, तो इसी तरह से हम लोग म्यूजिक के बारे में भी ब्लॉग्स बना सकते हैं, बट अगेन ब्लॉग की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ना ब्लॉग की फैशन राइटिंग थी, इसी तरह से जो ब्लॉग है इसके बारे में डेली ब्लॉग्स जो हैं उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ ब्लॉग। डिफरेंस आइडियाज ये मैंने थी यहाँ पर, जिस तरह से मैंने कल आपको 81 आइडियाज टू राइट अबाउट समथिंग के बारे में दिए थे, और इसी तरह से मैंने ये कुछ जो है वो बिगनर्स के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसमें 10 प्रो ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वैसे तो मैंने काफ़ी बता दिए हैं लेकिन बट स्टिल ये वेल एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है और मैक्सिमम कोशिश होती है कि जितना पोर्शन कवर हो जाए उसको कवर कर लिया जाए, तो ये इसमें आप देख सकते हैं पहला लिंक है और 33 ब्लॉगिंग आइडियाज, पहले वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं 10, मैंने वैसे तो मैंने 7 आपको बिल्कुल बिगनिंग में बता दी थी बट मैंने उसको समराइज किया है, आगे मुझे कुछ और एक और आर्टिकल मिल गया, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट इन दिस सेशन, सो आई थॉट आई शुड पुट दैट लिंक इन दिस पीपीटी, सो आई हैव डन दैट, और आप इसको यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन हैव लाइक ऑल द प्रो ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वाइल क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, एंड आगे इसके साथ ही जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं दिस इज लाइक 33 ब्लॉग आइडियाज फॉर द बिगनर्स, बिकॉज आप सब में से कोई भी ब्लॉगर और ब्लॉगर है नहीं, तो मेरी मैक्सिमम कोशिश ये है कि चीजों को वेल एक्सप्लेन करने के साथ कुछ ऐसे लिंक्स और ऐसी चीजें आपके साथ शेयर की जाएं जिसको आप जो है वो अगर पढ़ें उसको जानें तो वो इतनी इजी हो आपके लिए कि आप उसको जो है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो जरूर कर सके, जिस तरह से मैंने कल आप लोगों में से ऑब्वियसली लाइट वगैरह का इशू है वो इतना नहीं हो सका था, पार्टिसिपेशन आज भी नहीं रही है, तो लेकिन चूंकि है कि ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी तो इसीलिए मैंने है और मैं ग्रुप में भी आप लोगों को, बिकॉज हमारे 4 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं 2 ब्लॉगिंग के ऊपर, तो जो लास्ट वाले 2 सेशन थे वो मैंने यही सोचा हुआ था कि आप लोग इन जो मैंने आपको ऑलमोस्ट टेक्निक्स वेबसाइट और सब कुछ बता दिया है तो इसके ऊपर अब आप लोग अपना एक ब्लॉग भी बनाएं और एक ब्लॉग भी लिखें, और जो ब्लॉग है उसके लिए मैंने अनाउंसमेंट एक ये स्पेशल करनी है जो कि मैं बाद में ग्रुप में भी पर्सनल मैसेज के थ्रू कर दूंगी, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगी, तो उसमें मैंने ये आप लोगों को लिखना है कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये इस कोर्स से आपने कुछ लर्न किया है, यू वॉन्ट टू एक्सरसाइज समथिंग,
तो आप क्या करें कि आप अपना एक ब्लॉग बनाएं, उसका रॉ मटेरियल हमारे पास आए, हम आपको मीडिया टैग्स जो है वो उसकी जो, अगर आप, हमें लगता है आपका ब्लॉग और आपका आइडिया देख के कि वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया हैज समथिंग इन इट, तो हम क्या करेंगे कि हम आपको जो एडिटिंग है वो करके देंगे, और ना सिर्फ एडिटिंग करके देंगे बल्कि अगर आपका वो ब्लॉग बहुत अच्छा वाला है तो वी विल पब्लिश इट, हम उसको पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके एंड आप क्लेम कर सकें कि आफ्टर हैविंग दिस सेशन वी वर एबल टू डू दिस, और हमने अपना व्लॉग बना लिया था और वो फिर पब्लिश भी हुआ, हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली, आपका भी जो प्रोफाइल है वो मेंटेन हो जाएगा, और आपने कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली व्हेन यू विल सी योर थिंग ओके दिस इज डन बाय मी, तो आपके अंदर भी एक अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्या करेंगे कि उसके बारे में उसको अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली ब्लॉगिंग का भी मुझे यही है कि दोज हु वांट टू पब्लिश देयर राइट अप समवेयर, वो मुझे लिखा हुआ अपना कंटेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं मिस्टेक्स जो है उसको उसको करेक्ट करके, या जो उसमें मजीद कुछ करेक्शन एडिशन करने वाला हो उसमें हुआ तो वो मैं करके, तो वो भी, तो बिकॉज मुझे आज यही था कि मेरा जितना सिखाने वाला पोर्शन था आप लोगों को आई एम डन विद दैट, तो जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि हम सब जो है जो जो पार्टिसिपेट करेगा दे विल शो देयर वर्क, कि इस सेशन से इन चीज़ों से उन्होंने ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या क्वेश्चन है, अगले वाले जो है वो टोटल इंटरेक्शन बेस्ड होंगे, और हम आप मुझे अपना काम दिखाएंगे उसको मैं यहीं पर देख कर उसमें कुछ आपको रिकमेंडेशंस दूंगी, और उससे पहले भी अगर आप मुझसे कुछ लेना चाहते हैं इस तरह के इंस्ट्रक्शंस वगैरह करेक्शन, तो आई हैव नो इशू विद दैट, हम उसको भी कर सकते हैं। तो ये 33 आइडियाज हैं, आप इस लिंक को जरूर क्लिक करें, बिकॉज 33 आइडियाज में से कोई एक एक आइडिया तो आपको ऐसा लगेगा ही कि ओके नाउ आई कैन वर्क ऑन इट, तो आपने ये जरूर देखना है। अच्छा एक बात जो कल हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये मैंने कल आपको ब्लॉगिंग के बारे में भी बताई थी कि ब्लॉगिंग का मैंने आपको बताया था कि जब आप लिखते हैं और आपकी लिखा हुआ राइटअप लोगों को इतना पसंद आ जाता है, फिर आप कॉन्टिन्यूसली लिखना शुरू करते हैं कि ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाती है, एक ऑडियंस बिल्ड हो जाती है जो सिर्फ उस वेबसाइट पर आपका लिंक देख कर, आपका आर्टिकल देख कर और आपका ब्लॉग देख कर आती है, तो क्या होता है कि कुछ वेबसाइट जो है वो फिर आपके आर्टिकल के साथ एड्स को पोस्ट कर देते हैं, और वो जितना ऐड क्लिक करते हैं उतना उसका जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत आपका अर्निंग आपको भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन व्हेन इट्स कम फ्रॉम के लाइक कम फॉर लाइक ब्लॉगिंग, के ब्लॉगिंग वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो दो से तीन प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, और एक मैंने अभी एक वी मीडिया के नाम से कुछ सुना है जो नेटफ्लिक्स टाइप कुछ है, तो उस पर भी लोग जो है वो अपनी वीडियोज जो है वो पब्लिश करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका जो ब्लॉगिंग से अर्निंग करने का है वो यही है कि आपका आपको फर्स्ट यू क्रिएट योर यूट्यूब चैनल, आपको यू नीड टू क्रिएट योर यूट्यूब चैनल, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और आप अपना जो भी ब्लॉग बना रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करें, और जितने लोग पहले आपका जो चैनल है वो आपका वो चैनल मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज का मतलब होता है कि अब आपके ऊपर इतने आवर्स, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ वॉच आवर्स होते हैं, आपको यूट्यूब की रिकमेंड होती है कि अगर आपके ब्लॉग के ऊपर इतना जो है वॉच टाइम आ गया तो क्या होता है अल्टीमेटली आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज्ड हो जाता है। मोनेटाइज्ड होने का मतलब ये है कि अब आपके वॉच टाइम के ऊपर आपको पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, वो आपका अमाउंट जो है वो आप कुछ अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हो, यूट्यूब के साथ आपको एक ईमेल आती है उसमें आप जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो फुलफिल कर देते हो, और उसके बाद क्या है कि आपका जितना भी बिगनिंग में ऑब्वियसली ये बहुत कम है, लेकिन जो जो आपकी जो वीडियोज हैं उनके केज में व्यूज या मिलियंस में व्यूज जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जो आपकी अर्निंग है वो उस तरह से बन जाती है। दैट इज वेरी नेक्स्ट लेवल, अभी तो आप सीख रहे हैं, जब बन जाए ऐसा ग्रेजुअली, बिकॉज आप अपनी एक बार एक मार्क बना ले, जैसे शावर जाफरी, आई डोंट नॉट थिंक सो, जब उसने पहला ब्लॉग अपलोड किया होगा तो लोग उसको जानते होंगे, और देयर इज ऑलवेज वेरी देयर इज ऑलवेज अ न्यू डे, अ न्यू चैलेंज, तो आप उसको चैलेंज एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें, और जो अर्निंग का तरीका है वो यही है कि आप जो जितने आपके पास व्यूज ज्यादा आएंगे तो उतना जो है वो आपके जो पैसे हैं वॉच टाइम के अकॉर्डिंग, कि जितना लोग आपके उसके ऊपर वीडियो के ऊपर स्टे कर रहे हैं वो उतना जो है आपका वॉच टाइम देखते हुए उसको वो कर लेंगे। व्हाट इज एडवर्ड, ये मैं बताती हूँ कि ये एडवर्ड के थ्रू जो है आपके वीडियो के ऊपर जो है जो आप ब्लॉग बनाते हैं उसके ऊपर ऐड लगता है, गूगल एडवर्ड पे पर क्लिक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, ये भी होता है, आप उसको परचेज करते हो या आपके उसके साथ अटैच हो जाता है, और जितने लोग उस प्रोडक्ट को देखकर या उस चीज को देखकर उस एड के वजह से आपकी वीडियो को ऊपर वो एक एड, हमने ना हम लोग अक्सर यूट्यूब के ऊपर वो कोई ब्लॉग देखते हैं तो उसके बीच में एड आ रहा होता है, और ये एड मोनेटाइजेशन के बगैर नहीं लगते हैं, तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपके ऊपर शायद ही कोई ऐड लगता हो, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब क्या करता है कि अपनी प्रोडक्ट्स के ऐड जो है एडवर्ड के थ्रू वो आपके उसके ऊपर लगाना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो
जितने लोग उस एड उस वीडियो को देखते हैं और जिसमें उस एड को देखते हैं तो उससे अल्टीमेटली जो है वो पैसे बनना शुरू होते हैं. दिस इज हाउ एडवर्ट वर्क्स ना, बेस्ड ऑन द कीवर्ड दैट वांट टू टारगेट बिजनेस पे टू गेट देयर एडवर्टीजमेंट रैंक एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट. ये कौन से ऐड होते हैं? ग्रामरली. ग्रामरली जब नया आया, अगर ग्रामरली कोई मुझे पता नहीं लगता, अगर मैं कोई यूट्यूब वीडियोस देख रही होती तो उसके ऊपर ग्रामरली का ऐड आया एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आपकी ग्रामर, लाइक एशियन कंट्रीज में हमारा कुछ मसला है, खासतौर पर अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो हमारी जो राइटिंग है उसको लेकर हमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो रहता है कि हम इसकी सिमेट्री बेहतर तरीके से बना लें, ये एक राइम में रिदम के साथ इसकी जो है वो सिमेट्री बनी हुई हो, कि इजी टू रीड हो. तो हम क्या करते हैं कि ग्रामर लेकर उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिया कि ये कैसी ऐप है और उसको हमें उसके थ्रू पता लगा. अब हम रुके, हमने उसको देखा और फिर नीचे जैसे वो एड गुजर जाता साथ ही वीडियो के नीचे थोड़ी देर के लिए लिंक आना शुरू हो जाता है कि अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर लें. अगर मैंने वो क्लिक कर लिया तो क्या करेगा यूट्यूब, क्योंकि वो आपकी वीडियो के थ्रू की एक ऐप डाउनलोड हुई थी तो अल्टीमेटली आपके एडवर्ड अकाउंट में पैसे वो ऐड करेगा कि आपके व्यूवर ने हमारी इस ऐप को आपकी वीडियो देखते हुए डाउनलोड कर लिया और या फिर आपकी वीडियो देखते हुए ही आपके व्यूवर ने हमारी इस प्रोडक्ट को देखा, हमारे इस ऐड को देखा. तो ये यूजली होता है कि आप कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाते हो, अभी फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर फेसबुक मोनेटाइजेशन पहले नहीं थी, अब जब से हुआ कि लोग मैक्सिमम व्यूवरशिप आती है लोगों के पास फेसबुक के थ्रू, तो अब उसके ऊपर भी आप देखते हैं हम कुछ ऐड जो है वो हम स्किप कर सकते हैं, कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो हम स्किप नहीं कर सकते. तो ये एडवर्ट है और दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो आई थिंक सो कि ये जो है हमारा आज का सेशन जो है इट्स लाइक डन. कि थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों में से कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, अगर कोई भी है तो वो मुझसे पूछ सकता है. मैं भी थोड़ी जो देर है कैसे कहते हैं, मैं स्टार्ट कर दूंगी जो ये शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ पीपीटी, जो पीपीटी अभी आप लोगों के पास नहीं है, मैंने अभी प्रेजेंट किया. इसमें कुछ लिंक हैं जो मैंने आप लोगों को लिए रिकमेंडेशन के तौर पर दिए कि आप लोग जो भी देखना चाहते हैं और उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं आप उसके ऊपर से जो है वो लिख सकते हैं, उसको आइडिया गेट कर सकते हैं. बेसिक एक्सप्लेनेशन और सब चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ. सो इफ यू गाइज एनी वन ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन तो प्लीज़ आप जो है उसमें से मुझसे क्वेश्चन पूछ लें ताकि जो है मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर सकूं. और आई जस्ट वांट के मुझे जो भी लोग हैं जिनको मैंने अभी ये जो सेशन में थे वो मुझसे अपना जो राइट ऑफ पीस है वो ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उसको देखूं, उसमें कुछ चेंजिंग्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, करेक्शन रिक्वायर्ड हैं वो की जा सकें. और साथ ही साथ जो है अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं उसके बारे में यू नीड टू डिस्कस योर आइडिया, योर थीम एंड योर प्लानिंग. आई एम आल्सो हियर फॉर दैट एज वेल. कि आप जो है उसके ऊपर देख सकते हैं, आप उसको कुछ आइडिया शेयर करना चाहते हैं, उससे रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं. सो मैं तो ये कहूँगी कि बाकी तो जो है सो है, लेकिन अगली क्लास में आप ज़रूर, अगले सेशन में आप ज़रूर जो लिखें. जी आमना शफाक के कुकिंग बेस्ड वीडियोज़ होती हैं उन्हें ब्लॉग्स कहेंगे या व्लॉग्स कहेंगे? बच्चे ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग राइटिंग है, राइटिंग फॉर्म है, ठीक है. और जो व्लॉग है ये वीडियो फॉर्म है. तो कुकिंग रेसिपी कुड बी अ ब्लॉग, मतलब क्योंकि वो लिखा हुआ है, और जो व्लॉग है वो उसको जो है वो बता रहा है कि ये किस तरह से बनती है. अगर मतलब आपने एक चीज लिख कर बताई है कि जी चिकन कढ़ाई की रेसिपी ये है, तो वो लिखे हुए फॉर्म में वो ब्लॉग होगी, यानी कि वो लिखी हुई भी है. मसाला का सबसे बड़ा देख लें, मसाला की वेबसाइट जो है जो कुकिंग हमारा वो है वो प्रॉपर उसके ऊपर आप वो प्रोग्राम के बीच में बताते हैं कि अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ये रेसिपी है. तो जो लिखा हुआ फॉर्म होता है, आप ना आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जो लिखी हुई फॉर्म होती है, जो राइटिंग फॉर्म होती है वो आपका ब्लॉग होता है, BLOG. ठीक है, वैसे तो वर्ड वेब ब्लॉग था तो उसको उन्होंने उसको कर दिया. और इसी तरह से ये ब्लॉग को भी, ये वीडियो लॉग था उसको ब्लॉग कर दिया. सो जब आपने एक चीज लिख दी है तो वो आपका ब्लॉग है. बट वेन यू आर एक्सप्लेनिंग दैट थिंग जो आपने लिखा, या फिर आप ये कह लें कि आपने नहीं लिखा बट यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, और आप उसको एक वीडियो के ऊपर जो है वो बैठ कर बता रही कर रही हैं, तो वो आपका क्या होगा? वीडियो लॉग, यानी कि व्लॉग. तो बेसिक डिफरेंस भी इस क्लास के स्टार्ट में भी मैंने बताया था कि वीडियो और व्लॉग और ब्लॉग के बीच में डिफरेंस ही यही है कि जो ब्लॉग है वो आपका रिटन फॉर्म होता है जो आपने लिखा है, ठीक है. और जो दूसरा है आपका कि जो वीडियो लोग होता है उसका आपका ये होता है कि आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया. एनी वन वॉन्ट टू आस्क अनदर क्वेश्चन?
क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और दूसरा मैं आप लोगों को कुछ टास्क है वो भी दे दूंगी। थैंक यू सो मच आमना, आई एम ऑलवेज हियर। तहमीना रजाक, लास्ट टाइम भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू शो योर फेस, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वॉइस रैंक करने में थोड़ा टाइम लगता है, और जो यूट्यूब है वो आपकी इस बात को प्रेफरेंस देता है, आपकी इस वीडियो आपके जिसमें मैंने कहा फेस आईडी, तो वो अल्टीमेटली उसका जो इम्प्रेशन है, एक तो होता है ना फेस एक्सप्रेशन, तो आपका जो है वो फेस इम्प्रेशन आपकी, मैंने आपको बताया था आपका फेस रैंक करना स्टार्ट करता है। कि अभी तो हम फेसबुक पे भी देखते हैं कि अगर आपकी कोई किसी फ्रेंड ने आपकी कोई पिक्चर लगाई हो तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि फलाना पर्सन या जो भी है, दैट पर्सन इज शेयरिंग योर पिक्चर एंड यू आर इन दैट फोटो, सीम्स इट इज यू। मतलब क्या है कि वो इतने स्मार्ट हो चुकी है वो चीज के सिस्टम, उसको जज करके आपको नोटिफिकेशन भी भेजता है कि इट सीम्स लाइक दैट कि वो आप हैं। तो आप फिर क्या करते हो, आप उस पर क्लिक करते हो, उस पर जाके अगर वो फिर आपको आगे से एक और ऑप्शन देता है कि इज इट यू टैग योर सेल्फ, अगर आप ये आप ही हैं तो अपने आपको टैग कर ले। तो सिमिलरली यूट्यूब जो है वो उन वीडियोस को जो है वो कोशिश करता है कि वो उनको उन वीडियोस को ऊपर ज्यादा लेकर जाए जिसमें जो फेस है वो नजर आ रहा है। और स्टडी के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो वेरी वेरी गुड। बाकी ये थे कि स्क्रीन उसमें भी आ जाती है कि अगर आप एक स्क्रीन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज यूं हुई, आपको लेक्चर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो आप उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। बट रिकमेंडेशन मेरी यही है कि वेन यू आर टॉकिंग तो आप कोशिश करें कि आप सामने जरूर नजर आ रहे हो, बिकॉज उसका अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट जो है वो और तरह का होता है। लाइक समय अगर आप लोगों से भी बात करें ना और आप लोग कैमराज ऑफ हैं तो वो क्या कि अल्टीमेटली हम फीलिंग कि मेरा उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं आपके साथ। तो ये ह्यूमन साइकी है कि अगर हम जो हम सुन रहे हैं वो हम देखना भी चाहते हैं। रेडियो था ना, तो रेडियो के बाद जब टीवी आया तो हम लोग कितना सोचते थे ना, वी कैन सी दैट पर्सन हु इज टॉकिंग टू अस। तो दिस इज द सेम थिंग, ये ह्यूमन साइकी आप लगा लें या जो भी इसमें कह लें। और यूट्यूब भी उस वीडियो को रेकमेंड करता है, उस चीज को और ऊपर लेके जाता है जिसमें आपका फेस नजर आ रहा होता है, क्योंकि फिर वाकई फेस आईडी जो है ना, फेस इंप्रेशन आपका अपना बनाना शुरू करता है। आप जब भी कभी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना, दोज हु आर वॉचिंग यू, वो ऑटोमेटिकली जो है उन तक आपकी वीडियो बखुद जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। शॉर्ट हैंड पे वीडियो बनाना चाहती हूँ अबाउट फूड कोर्स, यस डेफिनेटली आप जो है वो इसके ऊपर बनाएं, जरूर करें, आप बना लें। और ये शॉर्ट हैंड जो राइटिंग स्टाइल है आप उसी की बात कर रही हैं या इनकी एंगल भी होता है कैमरे का, तो दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज। आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि अगर आप ये शॉर्ट हैंड जो राइटिंग स्टाइल होता है उसकी बात कर रही हैं या ये कैमरा टेक्निक की बात कर रही हैं। तो ये है कि ये क्वेश्चन है, मैं तो इसमें कोई भी मुझसे पूछता है बिकॉज मुझे यही लगता है कि अगर आप देखिए अगर आप हंस रहे हैं और आप बता रहे हैं और बड़ा इंटरेक्शन में मजा आता है, अगर आप वीडियो आप सामने है ना तो आपका नेचुरली वो बहुत प्लेजेंट फील देता है आपको कि आप हंस के बात कर रहे हो या आप ऐसे वैसे, तो वो फिर एक अच्छा लगता है, देखने वाले को भी लगता है। हाँ जी जी ठीक है, हाँ तो ठीक है, आप इसके ऊपर बनाए करें, आप उसके जो रूल्स हैं वो समझाना पड़ते हैं, ठीक है आप उसमें बनाए करें आप, लेकिन आप कोशिश करें कि जो चीज़ आप देख बनाना चाह रही हैं या बताना चाह रही हैं उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। लाइक इफ आई एम सेइंग इन दिस सेशन दैट मैं आपको टेक्निक्स बताने जा रही हूँ, बट मैं टेक्निक्स नहीं बता रही हूँ लेकिन मैं सामने आई हुई हूँ, तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी नहीं है ना। और फिर एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने आपको चीजें सारी बता दी बट मैं फ्रंट पर नहीं थी, तो अल्टीमेटली कुछ थोड़ा अच्छा हो जाता है उसमें, मुझे लगता है कि वो चीज बेहतर चली जाती है आपकी, कि अगर आपने कंटेंट बहुत अच्छे से अपना आइडिया बहुत उसकी एग्जीक्यूशन में जब स्टार्ट की भी स्लाइड्स थी, आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने शायद मिस कर दी होंगी, वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो उसमें मैंने यही लिखा हुआ है कि आपका जो आइडिया है ना उसकी एग्जीक्यूशन मैटर्स अ लॉट। तो आपने प्रॉपर आइडिया रेडी कर लिया या बात शॉर्ट हैंड का है तो आप इसे रेलिवेंट वीडियो देखें। आपका सबसे जो उसमें 7 टेक्निक जो मैंने बताई थी उसमें ये थी कि वॉच अदर्स पीपल व्लॉग, तो आप ऐसे करें कि शॉर्ट हैंड के ऊपर जिन लोगों ने ऑलरेडी, बिकॉज यू विल नॉट बी द फर्स्ट वन, तो आप ऐसा करें कि आप उसमें जाके तो देखेंगे जो शॉर्ट हैंड की वीडियोस लोगों ने बनाई हुई है वो किस तरह से बनाई है, किस टेक्निक के थ्रू बनाई है। मल्टीपल वीडियोज वॉच करें, उनको वॉच करने से आपका जो अपना आइडिया है ना, मतलब एक चीज आप इस वीडियो से उठाएंगी, एक इससे उठाएंगे, किससे करके उनको असेंबल करके एक आपका अपना वर्जन जो है ना वो रेडियो के सामने आ जाएगा, एंड देन आप उसकी मैपिंग करें और उसके थ्रू जो है उसको बनाएं, एंड देन देखें कि उसका इंप्रेशन जो है वो किस तरह से आता है। आपको वीडियो देख के पता लग जाता है कि यार इस वीडियो में ये कमी रह गई है, हाँ यहाँ पर ये इस चीज को यू एक्सप्लेन। मैं हूँ ना, बहुत सारे लोग हैं आप लोगों ने देखा होगा कपड़े कट करना, जो आपकी ड्रेसिंग है उसके डिफरेंट स्टाइल वो बताते हैं कि अगर आपने ऐसे बाजू बनाने हैं तो जब तक वो वेल एक्सप्लेन्ड नहीं होती है ना तो नहीं,
अभी उसी तरह के बाजू बनाने के लिए मुझे 4 या 5 वीडियोस देखना पड़ती है। तो उसमें क्या होगा कि जो वीडियो वेल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, 1 फिर इसको हमने यू फोल्ड कर दिया, ये स्टेप 2 हो गया, देन इसके ऊपर से मैंने इसको स्टिच करना शुरू किया, ये स्टेप 3 हो गया, देन फिर उसकी मैंने एक्स्ट्रा जो लेयर्स थी उनको कट कर दिया, ये स्टेप 4 हो गया। तो वो अगर उसकी स्टेपिंग बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई हुई है तो वो चीज मुझे समझ आएगी। तो सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, गो वॉच लाइक रेलिवेंट वीडियोज विच आर मेड ऑन लाइक शॉर्ट हैंड राइटिंग एंड ये वो, तो आप उसको करें और यू विल अल्टीमेटली गेट एन आइडिया फ्रॉम देयर। बिकॉज मैंने कल भी बताया था कि जो इंटरनेट है इट हैज लाइक मिलियंस ऑफ आइडियाज एंड मिलियंस ऑफ वेज टू परफॉर्म सिंगल टास्क। तो आई थिंक सो आई एम डन। अगर किसी और ने कुछ और क्वेश्चन पूछना है, और अगेन आई एम सेइंग दिस कि आप लोगों को मैंने एक उसमें किया है कि दोस हु वांट टू मेक देयर व्लॉग, वो अपना व्लॉग रिकॉर्ड करके उसके बारे में मेरे हमारे पास लेकर आए, उनको एडिटिंग और प्लस पब्लिश जो है उसकी भी हम फैसिलिटी दे रहे हैं। सिमिलरली दोस हु वांट टू राइट एंड वांट टू पब्लिश इट, वो भी दे कैन शेयर देयर मटेरियल विद मी, आई विल लुक इनटू दैट एंड विल करेक्ट द बेसिक एंड नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, सो जी कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? रमीना थैंक यू सो मच, कोई मसला नहीं, एनी टाइम अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। चले जी, वैसे भी इट्स 5:05 नाउ और योर नेक्स्ट मेंटोर इज आल्सो हियर, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड, बिकॉज ही इज गोइंग टू टेक अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स टू स्टार्ट हिज सेशन विद यू गाइज, गुड लक फॉर दैट। एंड बाकी ये है कि आप लोग जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दीज थिंग्स आई हैव टोल्ड एंड कीप वर्किंग ऑन इट, inshallah you will get something better and good for yourself. Thank you so much, jazakallah, Allah Hafiz.